नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 72 ऑक्शन को देखते हुए डीडी फ्रेश के दर्शक काफ़ी खुश हैं कि उनको 19 सितंबर से दो नए चैनल डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 सितंबर के दिन 72 ऑक्शन किया जाएगा। 11 सितंबर को दोपहर में 3 बजे तक जो भी चैनल 72 ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है प्रसार भारती के पास अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है, और 19 सितंबर को वो चैनल डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में लॉन्च हो जाएगा। जो 72 ऑक्शन में जीतेगा, जो 72 ऑक्शन में विजेता होगा, उसको 19 सितंबर को डीडी फ्रेश पर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 72 ऑक्शन को देखते हुए जिस प्रकार से डीडी फ्रेश के दर्शक खुश हैं, वहीं डीडी फ्रेश के दर्शकों के मन में एक छोटा सा डर भी है कि कहीं बाकी 3 ऑक्शन की तरह 72 ऑक्शन भी फेल ना हो जाए, क्योंकि 72 ऑक्शन में सोर्सेस से ये अपडेट मिल रहा है कि सोनी पल और कलर स्टेज चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब से मैंने ये अपडेट दिया है, उसके बाद से ही डीडी फ्रेश के दर्शकों के मन में एक डर भी सताने लगा है कि जिस प्रकार से पिछले 2 ऑक्शन में सोनी पल और कलर स्टेज चैनल ने डीडी फ्रेश के दर्शकों के साथ मजाक किया है और स्लॉट जीतने के बाद भी डीडी फ्रेश पर ऐड नहीं हुए हैं, उसको देखते हुए डीडी फ्रेश के दर्शकों के मन में एक डर भी सता रहा है कि अगर 72 ऑक्शन में सोनी पल और कलर स्टेज जैसे चैनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये दोनों चैनल स्लॉट भी जीतेंगे, क्योंकि दोनों ही चैनल बड़े ब्रॉडकास्टर के चैनल हैं और इनके आगे कोई ज़्यादा बोली नहीं लगा पाएगा और ये दोनों चैनल ही 72 ऑक्शन में स्लॉट जीतेंगे। अब यहाँ पे डीडी फ्रेश के दर्शकों के मन में डर ये सता रहा है कि अगर ये दोनों चैनल स्लॉट जीत जाएंगे तो क्या फिर ये नौटंकी करेंगे, क्या फिर ये डीडी फ्रेश पर लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे, क्योंकि 2 बार ये दोनों चैनल ऐसा कर चुके हैं। पहली बार तो सोनी पल और कलर रिश्ते चैनल ने स्लॉट जीता था लेकिन ऐड नहीं हुआ, इसके बाद कलर रिश्ते चैनल ने स्लॉट जीता लेकिन ऐड नहीं हुआ, जिसको देखते हुए डीडी फ्रेश के दर्शक कहीं न कहीं थोड़ा सा डरे हुए हैं। कहीं न कहीं वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार का ऑक्शन सक्सेसफुल होगा या ये भी फेल हो जाएगा, दो चैनल डीडी फ्रेश पर लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे। अब यहाँ पे डीडी फ्रेश के दर्शक चाहते तो हैं कि ये दोनों चैनल स्लॉट जीतें और डीडी फ्रेश पर लॉन्च हों, लेकिन दोस्तों पिछले 2 बार ऐसा नहीं हुआ है, दोनों बार डीडी फ्रेश के दर्शकों को निराशा ही हाथ लगी है और चैनल स्लॉट जीतने के बाद भी डीडी फ्रेश पर लॉन्च नहीं हुए हैं। एक बार तो सोनी पल और कलर रिश्ते चैनल ने धोखा दिया, दूसरी बार अकेले कलर रिश्ते चैनल ने धोखा दिया। इसको देखते हुए डीडी फ्रेश के दर्शक अब ये सोच रहे हैं कि अगर 72 ऑक्शन में सोनी पल और कलर रिश्ते चैनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये स्लॉट भी जीतेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि स्लॉट जीतने के बाद क्या ये चैनल डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका जवाब कोई नहीं जानता है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चैनल ही जानते हैं कि अगर ये दोनों चैनल स्लॉट जीतेंगे तो डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में 19 सितंबर को लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं से कोई भी अपडेट नहीं मिलता है कि ये चैनल स्लॉट जीतने के बाद लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे। ये पूरी तरह से चैनल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि स्लॉट जीतने के बाद वो डीडी फ्रेश पर लॉन्च होगा या नहीं लॉन्च होगा। बाकी दोस्तों, 72 ऑक्शन में अगर सोनी पल और कलर स्टेज चैनल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपकी क्या राय है, इनको स्लॉट जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में लॉन्च होना चाहिए या नहीं लॉन्च होना चाहिए। बाकी दोस्तों, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये दोनों चैनल स्लॉट जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, डीडी फ्रेश के एमपीजी 2 बॉक्स में 19 सितंबर को लॉन्च होंगे या नहीं लॉन्च होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।